क्वेश्चन में हमें यूनिट वेक्टर्स निकालने हैं इन एक्स वाई प्लेन। तो सपोज मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेती हूँ ए वेक्टर को एक यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसको मैं मान लेती हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये हमें गिवन है, ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, यानी ये यहाँ पर लाई करेगा, ये होगा मेरा जेड प्लेन। इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो यानी इसका जेड कोऑर्डिनेट होगा इक्वल टू जीरो, यानी ये वाली टर्म होगी इक्वल टू जीरो। सो मेरा ए यूनिट वेक्टर आ जाएगा ये। अब हमें यूनिट वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए अगर मैं मान लेती हूँ ये वेक्टर मेरा थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम रिलेशन बनाएंगे। ए वेक्टर ये यूनिट वेक्टर है, तो पहली बात तो इसका मैग्नीट्यूड होगा इक्वल टू वन। यहाँ पर ये थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो यानी ए मेरा आई कैप के साथ बना रहा है थीटा एंगल। यहाँ पर इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो एक रिलेशन आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली हम यहाँ पर नोटिस करें तो ये y एक्सिस के साथ 90 माइनस थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, यानी a यूनिट वेक्टर मेरा j कैप के साथ 90 माइनस थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। यहाँ पे भी दोबारा डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एक और रिलेशन आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास मेरे a यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये करते हैं, पहले x एक्सिस के लिए देखते हैं। अब यहाँ पे रिलेशन निकालने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, हमें पता है a डॉट b होता है ये, तब इसकी जगह ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो आ जाएगा ऐसे। ये दोनों ही वेक्टर्स यूनिट वेक्टर हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड होगा इक्वल टू वन, तो इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ पे इस ए यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे, वो थी ये। यहाँ पे सिर्फ आई कैप है, तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि इसके जे और के कैप के टर्म्स जीरो होंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए इन दोनों के करस्पॉन्डिंग टर्म्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स मल्टीप्लाई होगा वन से, वाई होगा जीरो से, एंड जीरो होगा जीरो से, तो आ जाएगा ऐसे। इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ रही है cos थीटा। अब y एक्सिस के साथ देखेंगे, उसके साथ ये एंगल बना रहा है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे a डॉट b होता है ये, तो इसकी जगह ये दोनों पुट करेंगे, ये आ जाएगा ऐसे। ये दोनों ही यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनके मैग्नीट्यूड होंगे इक्वल टू वन। इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। यहाँ पे a यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा ऐसे। यहाँ पे सिर्फ j कैप है, यानी इसका i कैप और k कैप वाली टर्म जीरो है, तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे। सॉल्व करने के लिए इसे इन दोनों के करस्पॉन्डिंग टर्म्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो x मल्टीप्लाई होगा जीरो से, y होगा वन से, एंड जीरो होगा जीरो से। सॉल्व करेंगे इसे तो y की वैल्यू आ रही है साइन थीटा। अब x एंड y दोनों की वैल्यूज हम a यूनिट वेक्टर में पुट करेंगे तो आ जाएगी ये। अब यहाँ पे हमने थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया था, तो ये उसके लिए वैलिड है। अगर हम इसको यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं पे भी थीटा ले लेते हैं, ये सबके लिए वैलिड होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू ये है, जहाँ पे थीटा हमारा लाई कर रहा है जीरो से टू पाई के बीच में।